हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सकीनास क्रिएटिव्स कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई, कीवी का क्रस से बना हुआ। तो चलिए हम बनाते हैं। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मिठाई। कौन सा फ्लेवर डालेंगे वो हम आपको आगे दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिल्क पाउडर 2-3 कप लिया है और 1 कप 1½ कप जितना मैदा लिया है और 3 चम्मच हम घी डालेंगे। 3 चम्मच हम घी डाल रहे हैं और मैदा को सेक लेंगे। हम गैस का फ्लेम को स्टार्ट करेंगे, घी हमारा पिघल जाएगा उस टाइम हम मैदा को सेक लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, हमारा घी थोड़ा गर्म हो चुका है, हमने 1 कप मैदा दे दिया हुआ है। अभी हम मैदा को थोड़ा सेक लेंगे। 5 चम्मच हमने घी रखा इसके अंदर, तो हम थोड़ा सेक रहे हैं अभी। ये हमारा मैदा को हम सेक रहे हैं, थोड़ी देर और सेकेंगे क्योंकि उसका कच्चापन हट जाए और ये मिठाई बहुत ही मजेदार बने हमारा। अभी एकदम सेका गया है, इसको हम क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए साइड करेंगे और यहाँ पे हम चीनी चढ़ाएंगे। चीनी का हम 1 तरह का चाशनी करेंगे, तो हम नॉर्मल मिल्क पाउडर है तो हम ये 2 प्याली खाली चीनी लेंगे, हमको ज्यादा मीठा नहीं बनाना है। और इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे, 1/2 कप हम पानी ले रहे हैं। फ्लेम को हम बंद कर दिया है और चाशनी हम दूसरा चूल्हा पे चढ़ा दिया है। अभी इसके अंदर हम आहिस्ता आहिस्ता अपना मिल्क पाउडर मिला लेंगे ताकि लम्स ना पड़े अंदर में। दो मिनट खाली हम गैस को स्टार्ट, हम धीमा आंच पे 2 मिनट सेक लिया है। अभी हम क्या करेंगे, गैस को बंद करेंगे, उसको थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा चाशनी डालेंगे। तो इसको हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमारा बहुत ही टेस्टी मिठाई बनता है। इसके अंदर हम 2 चम्मच काजू का पाउडर डालेंगे, ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बन जाती है। काजू का पाउडर देने से इसका स्वाद एकदम बाजार की मिठाई जैसा आ जाएगा, आपको लगेगा नहीं आपने घर में बनाई है, ये दिवाली स्पेशल है। हम चाशनी देख लेते हैं अपना, 2 मिनट और रखेंगे उसके बाद हो जाएगी। ऐसे हम आपको दिवाली स्पेशल मिठाई खोया से भी बना के जरूर सिखाएंगे, ये खोया से भी बनती है। ये हमारा चाशनी तैयार हो चुका है और ये भी हमारा ठंडा हो चुका है एकदम। अभी हम एक ही कलर का बनाएंगे, 2 कलर हम नहीं देंगे अंदर में। हम बना रहे हैं कीवी क्रस का, थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच इसके अंदर हम कीवी क्रस, और कीवी का स्वाद बहुत ही टेस्टी और मजेदार लगेगा आपको। तो 1 चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें कीवी क्रस, कलर का उपयोग हम नहीं करेंगे इसके अंदर, ये नेचुरल बनाना चाहते हैं हम, इसीलिए हम कलर नहीं डालेंगे, थोड़ा कीवी क्रस से ही कलर जो पकड़ेगा ग्रीन वही रहेगा। 2 चम्मच हम कीवी क्रस डाल दिया है अंदर में, कलर हम ऐसे ही लाइट ग्रीन ही रखेंगे। ये हमने कीवी क्रश डाला है इसीलिए थोड़ा कम चाशनी हमारा जाएगा जो बनाया है इसमें। ये हमारा ठंडा हो चुका है एकदम हलवाई जैसा, देखिए लग रहा है ना आपको कि हलवाई ने बनाया है। और कीवी का इसमें एकदम मस्त स्वाद है, इसको 2-3 घंटा लगता है जमने में, चख लेते हैं थोड़ा मीठा। वाह क्या स्वाद बना है, थोड़ा सा और चाहेगा 2 चम्मच, एकदम तैयार। और घी भी छूट गया है, अभी हम क्या करेंगे इसमें जमा लेंगे, इसके अंदर हम अभी ऐसे फैला देंगे अपना मिठाई को।
ये हमारा मिठाई एकदम लगेगा ना, आप मतलब हम बोलेंगे ना हलवाई से भी बेस्ट और साफ मिठाई है, अपना घर का भी और एकदम टेस्ट में टेस्टफुल। और हमने जो काजू का पाउडर दिया है वो उसको ऊपर हम छीट रहे हैं। ये नेचुरल कलर है, हमने कलर का कोई उपयोग नहीं किया है, कीवी क्रश का उपयोग किया है। और ये मिठाई आप एक बार बना के खाओगे, बार बार बाजार से अगर ऐसे बनाओगे ना तो लाना भूल जाओगे। अब हम एक घंटा बाद, दो तीन घंटा बाद इसको निकाल लेंगे। ये हमारा और कीवी का मिठाई बनके एकदम दिवाली स्पेशल रेडी हो गया है। और इस तरह बनाने से आपका 100% टेस्टी और मजेदार बनेगा, जिस तरह मैं बनाना सिखाई हूँ उसी तरह आप जरूर बनाओगे। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।